हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सेल में बिल बनाना जानेंगे। एक्सेल में हम लोग बिल कैसे प्रिंट करते हैं, तो चलिए यहाँ स्टार्ट में आते हैं और टाइप करते हैं EXCEL और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ब्लैंक वर्कशीट, और इस तरह का कुछ इंटरफेस आपका फर्स्ट स्क्रीन पे आपको एक्सेल पे खुल करके दिख जाएगा। इसमें हम लोग आज जानेंगे बिल कैसे हम लोग बनाते हैं। जो बिल इनवॉइस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल इनवॉइस, वो प्रिंट यानी टैक्स इनवॉइस, उसको कैसे डिज़ाइन करके और प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि व्यू ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ से व्यू में जाना है और व्यू में जा करके ग्रिड लाइन पर जो टिकआउट लगा हुआ होगा, इस पर क्लिक करके और ये चिकआउट हटा देना है। जैसे ही हटा दीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेगा, ठीक है। फिर से आपको होम बटन पे आ जाना है। उसके बाद हम डिज़ाइन यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो डिज़ाइन हमें कितना एरिया में सेलेक्ट करना है, चलिए वो एक एरिया यहाँ से हम ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मुझे इतना एरिया डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, या फिर पेज को थोड़ी सी और छोटा कर लेते हैं और एक डिज़ाइन का परफेक्ट एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितना दूर में मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो चलिए ये मैं डिज़ाइन का एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम एक आउटलाइन बॉर्डर दे देते हैं। आउटलाइन बॉर्डर देने के लिए यहाँ से आप फॉन्ट पे जाइएगा तो आपको एक बॉर्डर का सिंबल यहाँ पे दिखेगा। बॉर्डर पे जाने के बाद आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये चारों तरफ देखिए दोस्तों आउटसाइड में बॉर्डर यहाँ पे आपको लग जाएंगे चारों साइड में, ठीक है। तो ये आउटसाइड बॉर्डर मेरा लग गया। अब इसमें हम पार्ट बाई पार्ट करके जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी हम मर्ज करके और वर्क करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हेडिंग देना होता है। तो हेडिंग देने के लिए हम एरिया को, ऊपर वाले एरिया को इतना हम परफेक्टली तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। मर्ज सेंटर करने से ये सेल जो है आपका मिल जाता है। अब हम इसमें एक मैटर लिख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक शॉप का नाम दे देते हैं। जैसे शॉप का नाम हम ऊपर में दे देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा IICT COMPUTER, IICT कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर इसमें क्लिक करके और साइज़ बड़ा, यहाँ से जो बड़ा ए का साइज़ दिख रहा है फॉन्ट का, ये से इंक्रीज़ करेंगे फॉन्ट का साइज़। अब यहाँ से फॉन्ट का साइज़ फुली हम इंक्रीज कर लेते हैं जितना मुझे बड़ा चाहिए और यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं ताकि ये बीचों बीच हो जाए, ठीक है। ये दोस्तों इस तरह से कुछ बीचों बीच हो जाएंगे यहाँ पर। थोड़ा सा और यहाँ से फॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। एक थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, चलिए दोस्तों इतना बड़ा रहने देते हैं। और बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम नॉर्मल कलर कर लेते हैं कुछ इस तरह का, और फॉन्ट का कलर कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे रेड कर देते हैं या येलो कर देते हैं, चलिए रेड कर देते हैं, अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह से मेरा हेडिंग का डिज़ाइन हो गया है टैक्स इनवॉइस का, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कलर कलरफुल नहीं चाहते तो विदाउट कलर भी रख सकते हैं, या फिर कलरफुल चाहें तो यहाँ से आप कलर आसानी से यूज कर सकते हैं, ये अच्छा लगने लगा। अब ऊपर में क्या करना है कि हमें एक लाइनिंग देना है नीचे में ताकि ये डिज़ाइन जो है आपको अच्छा दिखने लगे। तो लाइन देने के लिए हम फिर से बॉर्डर में ही आ जाते हैं। अब सारे काम यहाँ बॉर्डर से कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ड्रॉ बॉर्डर यूज़ करेंगे। ड्रॉ बॉर्डर पे जाएंगे और जितना दूर मुझे लाइनिंग देना है हम वो एरिया को परफेक्टली तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से लाइनिंग हो जाएगा मेरा बॉर्डर का। अब क्या करते हैं, नीचे मुझे एड्रेस वगैरह लिखनी है, GST नंबर लिखना है, टैक्स इनवॉइस देना है, तो इस तरह से कुछ बना लेते हैं। अब फिर से क्या करते हैं, बाहर क्लिक कीजिएगा एक बार तो ये फिर नॉर्मल सा एक छोटा सा बॉक्स हो गया। अब हम इस एरिया को क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में और ड्रैग करने का जो लेफ्ट बटन है उसे क्लिक करके और राइट साइड की तरफ सेलेक्ट करेंगे, फिर से मर्ज एंड सेंटर करेंगे। दोस्तों हम बहुत कम ही ऑप्शन यूज़ करके आपको बिल जनरेट करने का यानी टैक्स इनवॉइस बनाने का तरीका मैं बता दूंगा। आप बहुत ही आसानी तरीके से जो है ये बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, लिखना है ऊपर में टैक्स इनवॉइस, ठीक है। हम ऊपर लिख रहे हैं TAX इनवॉइस, INVOIC टैक्स इनवॉइस। चलिए यहाँ से मैंने टैक्स इनवॉइस लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि और मुझे एड्रेस वगैरह की ज़रूरत होती है तो उसके लिए फिर से मुझे एक लाइन खींचनी होगी। तो चलिए हम पहले ही एक लाइन को मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, पुनः फिर से मर्ज एंड सेंटर कर दिए इस लाइन को। और रही बात बॉर्डर की, तो फिर से मुझे ड्रॉ में जाना है, वही ड्रॉ बॉर्डर में, और क्लिक करके फिर से ये वाला लाइनिंग जो मैंने मर्ज किया है इसको आसानी से खींच लेना है, फिर बाहर क्लिक कर देना है। डबल क्लिक कीजिएगा फिर नॉर्मल इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, मुझे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है एड्रेस, GST नंबर, और यहाँ से मोबाइल नंबर एड्रेस के लिए और एड्रेस। तो चलिए हम यहाँ पे पहले टाइप कर लेते हैं GST नंबर, GST, थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं लेफ्ट, और यहाँ पे टाइप किया मैंने GST नंबर,
जीएसटी नंबर, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जीएसटी नंबर, सपोज़ फॉर एग्जांपल ये सच नहीं है, मैंने यहाँ पे एक डाल दिया, राइट, छोटा सा। चलिए उसके बाद मुझे मोबाइल नंबर देना है, तो मैं स्पेस से आगे बढ़ गया और यहाँ पर डाल दिया MOB मोबाइल नंबर। ये दोनों मैंने डिज़ाइन कर दिया एक साथ, देखने में अच्छा लगेगा, और मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया। चलिए मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दिया, देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर सा ये दिखने लगा है। अब क्या कर रहे हैं इसमें, नीचे मुझे एक लाइन और चाहिए एड्रेस का डिज़ाइन देने के लिए, ठीक है। तो एड्रेस देने के लिए हमें एक लाइन और चाहिए, तो फिर से मुझे सेम वही काम करना होगा। क्या करना होगा, बॉर्डर में जाना होगा और यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करना होगा, फिर कुछ इस तरह से डॉटेड पॉइंट बन करके आ जाएंगे। एक लाइन मुझे और फिर से सेलेक्ट करने हैं, फिर बाहर डबल क्लिक करने हैं, फिर यहाँ पे कर्सर रखना है और शिफ्ट के साथ इस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है, और क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है, फिर यह जगह खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है एड्रेस, एड्रेस का डिज़ाइन देना है। तो चलिए हम एड्रेस टाइप कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए KESHAW केसव चौक CHOW के, आप जहाँ का बनाना चाहते हैं आप वहाँ का दे सकते हैं, केसव चौक साहेबगंज GANZ। चलिए ये मैंने एड्रेस दे दिया। मान लिया जाए मुझे पिन कोड की ज़रूरत होती है, तो पिन कोड यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कॉमा दे करके, और हम पिन भी डाल दिए PIN पिन कोड CODE पिन कोड, ठीक है, 84 31 25 फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डाल करके ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसको मैं अभी फ़िलहाल जो है कि विदाउट कलर रख रहा हूँ, जब मेरा कंप्लीटेड हो जाएगा तो हम कलर कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी ऐसे ही देखने में अच्छा लगेगा। फिर क्या करना है, अब मुझे नीचे लाइनिंग देना है पार्टीज नेम वगैरह की, ठीक है। तो एक पार्टीज नेम और टैक्स इनवॉइस नंबर ये जनरेट कर लेते हैं, और डेट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना है, एक लाइन की ड्राइंग करनी है, फिर से पुनः वही काम, मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसी जगह पे जाना है बॉर्डर में, और ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। फिर से एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें मैं पार्टी नेम दूंगा और टैक्स इनवॉइस नंबर या फिर डेट दे देता हूँ, टैक्स इनवॉइस नंबर की ज़रूरत नहीं, टैक्स इनवॉइस डेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए फिर मैं बाहर क्लिक किया, अब एक लाइन मेरा फिर से तैयार है। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, लेफ़्ट साइड में लिखना है, तो ये एलाइजमेंट का जो ऑप्शन होता है लेफ़्ट, ये लेफ़्ट ले लीजिएगा, आप ही क्लिक कीजिएगा, आप लेफ़्ट में आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना है पार्टी नेम, PARTY पार्टी नेम, मैंने टाइप किया यहाँ पे पार्टी नेम, और स्पेस दे करके एक नाम लिख देता हूँ, जैसे RAHUL राहुल कुमार, यहाँ से R को कैपिटल कर दूँ थोड़ा, RAHUL कुमार। चलिए मैंने यहाँ पे पार्टी नेम टाइप कर दिया है, और मुझे डेट टाइप करना है कि किस डेट को मैंने सेल किया। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे करके और यहाँ मैंने डेट का डिज़ाइन दे दिया, और एक डेट डाल दिया, सपोज़ मान लिया जाए 30/10/2022, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेट डाल दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल अच्छा तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। अब मुझे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के बारे में डिज़ाइन करना है, फिर से मुझे वही काम करनी है, मुझे जाना है यहाँ से बॉर्डर पे, बॉर्डर पे जाने के बाद ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करना है, पुनः एक लाइन और लेना है मुझे, और बाहर क्लिक कर देना है, फिर से इस एरिया को सेलेक्ट कर देना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है। एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। देखिए दोस्तों कितना कम ऑप्शंस हम यूज़ करके आपको बिल जनरेट करना बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। चलिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यहाँ पर डी को मैंने, जैसे मुझे यहाँ चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे, डी को कैपिटल कर दे रहा हूँ, और इसको सेंटर मुझे करना है, तो सेंटर करने के लिए तो ऑलरेडी सेंटर है, चलिए यहाँ से सेंटर कर सकते हैं आप अगर नहीं आता है तो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे मुझे डिज़ाइनिंग देनी है, तो डिज़ाइनिंग देने के लिए सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या नेम ऑफ आइटम या प्रोडक्ट नेम, HSN नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, GST वगैरह लगा करके बिल जनरेट करते हैं। तो सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे एक लाइन खींचना है इस तरह का, ठीक है। पहले हम लाइनिंग खींच लेते हैं, तो ड्रॉ बॉर्डर में जाते हैं और यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से लाइनिंग मैंने खींच लिया एक, सपोज इतना बड़ा। चलिए सीरियल नंबर के लिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के लिए मैं दो लाइनिंग ले लेता हूँ यहाँ से, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, एक मैं
रेट क्वांटिटी के लिए और एक अमाउंट के लिए। चलिए यहाँ पे मेरा ये तैयार हो चुका है, इसको मैं लाइनिंग ऐसे कर देता हूँ, फर्स्ट लाइनिंग इसको मिला दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मेरा रहेगा टोटल अमाउंट एक लाइन का, यहाँ पे लगेगा मेरा CGST, यहाँ पे मेरा लगेगा SGST और यहाँ पे लगेगा मेरा नेट अमाउंट, राइट, नेट अमाउंट। चलिए दोस्तों उसके बाद नीचे कुछ जगह छोड़ करके और मुझे देना है डिस्क्रिप्शन के लिए साइन सिग्नेचर की जगह, तो यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊंगा जिसमें यहाँ पे सिग्नेचर साइंस वगैरह की डिज़ाइंस रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये डिज़ाइन मेरी ऑलरेडी तैयार हो गई है, इसमें टोटल रहेगा CGST SGST नेट अमाउंट, हाँ हो जाएगा। और इसको जो है यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मुझे हटाना होगा, तो एक इरेज़र ले लेते हैं। इरेज़र लेने के लिए फिर से इसी जगह पे जाते हैं और इरेज बॉर्डर के ले लेते हैं और इसको मैं साइड कर दिया, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर से हम ड्रॉ बॉर्डर लेते हैं और एक लाइन इसको मिला देते हैं। चलिए दोस्तों बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब इसमें बाहर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसमें लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है सीरियल नंबर, तो चलिए टाइप कर लेते हैं SN S सीरियल नंबर और टाइप दे करके आगे बढ़ेंगे। इसमें हम टाइप कर लेते हैं, इसको दोनों को मैं मर्ज कर दे रहा हूँ क्योंकि सेंटर लेने में अच्छा लगेगा, तो एरिया को सेलेक्ट कर दिए, मर्ज एंड सेंटर कर दिए, यहाँ से मर्ज हो जाएगा, बेटर रहेगा। इसमें नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ PRODUCT। चलिए उसके बाद फिर स्टेप से आगे बढ़ते हैं और इसमें रहेगा QTY यानी क्वांटिटी। अगला बॉक्स में मेरा रहेगा रेट, तो यहाँ पे मैं डाल दिया एक रेट और नेक्स्ट बॉक्स में डालूँगा अमाउंट AMOUNT अमाउंट। तो इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे फिर एक नीचे डबल लाइनिंग या सिंगल लाइनिंग का ड्राइंग करनी होगी, तो फिर से मुझे जाना होगा बॉर्डर में, बॉर्डर में जा करके यहाँ पे हम ड्रॉ कर लिए एक लाइनिंग, सिंगल लाइनिंग कर लेते हैं यहाँ से, इतना लंबा नहीं अच्छा लगेगा, फर्स्ट वाला ही सही है। कंट्रोल जेड, अगर कोई गलती होती है तो कंट्रोल जेड से हम बैक आ सकते हैं। फर्स्ट लाइन एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी सारे चीज़ मेरी तैयार हो गए हैं और यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन आप टोटल टाइप्स करने हैं, तो सीरियल नंबर यहाँ पे दे देते हैं, जैसे 1 मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर 1, यहाँ पे मैं टाइप कर लिया जैसे 2, फिर 3, 4, 5, जैसे 5 प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं, तो 5 प्रोडक्ट्स लिख दिए। नेम ऑफ आइटम जैसे मान लिया जाए MOUSE माउस, उसके बाद KEYBOARD। देखिए दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड मैंने टाइप कर लिया और एक टाइप कर लेता हूँ मोनीटर और एक टाइप कर लिया CPU और एक UPS, राइट। ये फॉर एग्जांपल्स हैं, इसके क्वांटिटी और रेट में कोई मतलब ये नहीं रहेगा कि ये परफेक्ट है। चलिए मैं अपने मन से क्वांटिटी 5 पीस 7 पीस 4 पीस 2 पीस और 3 पीस। चलिए अब रेट भी मैं अपने मन से ही डालूँगा, इसमें कोई ये नहीं रहेगा कि वही रेट है। चलिए माउस का रेट मैंने 200 डाल लिया, इंटर। कीबोर्ड का रेट भी 250 डाल लिया, इंटर। मोनीटर का रेट मान लिया जाए 2500 डाल दिया और CPU का जो CPU होता है उसका रेट मान लिया जाए मैं 3000 डाल दिया और एक UPS मैंने 1200 डाल दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। चलिए अब मुझे अमाउंट का कैलकुलेशन करना है, तो अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए हम मुझे फार्मूला लगाने होंगे, तो कुछ ऐसा फार्मूला लगाना होगा ताकि जो है कि ये एक डिज़ाइन बने और इसी पे मेरा लाखों करोड़ों डिज़ाइन बनता चला जाए, ये डिज़ाइन मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत ना हो। ये वन टाइम मेरा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, इसी में बस सिर्फ चेंज करना है और मेरा काम निकल जाए, ठीक है। चलिए तो ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, इससे पहले कि हम नीचे में ये डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे, तो चलिए यहाँ सबसे नीचे जो है एक लाइन का मुझे फिर से ड्राइंग करना होगा और यहाँ पे मैं नीचे ड्रॉ करके एक लाइन लिख दे रहा हूँ, दिस बिल इज़ कंप्यूटर जनरेटेड, ठीक है, THIS, दिस बिल इज़ कंप्यूटर जनरेटेड। इसमें T मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ, दिस बिल इज कंप्यूटर जनरेटेड। चलिए ये मेरा एक डिज़ाइन हो गया ताकि इससे पता चले कि हाँ क्या है, तो इसको अगर सेंटर करना चाहते हैं, ये थोड़ा सेंटर में नहीं दिख रहा है, तो मर्जन सेंटर कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका सेंटर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मुझे एक सिग्नेचर के लिए देना था, तो चलिए फॉर राहुल सिग्नेचर दे देते हैं सिग्नेचर के लिए, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, एक लाइन और ले लेता हूँ यहाँ से, ऑथराइज सिग्नेचर RI
एसीडी ऑथराइज ये डिज़ाइन भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचर्स के लिए मेरा बॉक्स है ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। इसको अगर चाहे तो मैं मर्जन सेंटर कर सकता हूँ, जैसे सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर किया तो ये बीचों बीच हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी मेरा टोटल काम कंप्लीटेड है, ऑथोराइज सिग्नेचर, यहाँ पर साइन वगैरह मोहर वगैरह भी लग सकते हैं, यहाँ पर जगह है मेरे पास ऑलरेडी। चलिए अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर तो निकालना है टोटल, तो यहाँ पर रहेगा नेट अमाउंट, यहाँ पर निकाल देता हूँ नेट अमाउंट AMOUNT। चलिए यहाँ पे नेट अमाउंट थोड़ा सा एरिया मेरा बड़ा हो जा रहा है, तो उसके लिए मुझे ऊपर से हेडिंग्स को थोड़ा सा बड़ा करना होगा यहाँ से। चलिए नेट अमाउंट, अब यहाँ पे रहेगा मेरा CGST एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, तो मान लिया जाए 6% 12% पे काम कर रहा हूँ, तो 6% दोनों रहेगा CGST एट द रेट ऑफ 6%, और एक रहेगा मेरा SGST एट द रेट ऑफ 6%। चलिए तो ये दोनों क्लियर हो चुका, और यहाँ पे रहेगा मेरा टोटल, तो यहाँ पे मैं TOTAL टोटल दे दिया। अब मुझे फार्मूला से ये सारे चीज़ कंप्लीटेड कर लेने हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा SGST एक स्पेस दे के एट द रेट ऑफ 6%। चलिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करनी होगी, फार्मूला यूज़ करना होगा। तो फार्मूला के लिए इक्वल टू देंगे, इक्वल टू देने के बाद गुना आपको यहाँ करना है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, गुना का एक सिंबल देंगे और क्लिक आप यहाँ पे करेंगे, फिर इंटर कर देंगे, टोटल निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से प्लस ऐसे ड्रैग करके आप टोटली यहाँ तक खींच दीजिएगा, तो टोटल सबका निकल करके आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे नेट अमाउंट निकालना है, तो नेट अमाउंट निकालने के लिए आप फार्मूला लगा लीजिएगा। तो फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू और टोटल को जोड़ना है, तो आप टाइप करेंगे इक्वल टू सम और यहाँ से ब्रैकेट देंगे, ठीक है। ब्रैकेट देने के बाद ये सब को जो जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप एक बार जो है कि इस एरिया को सेलेक्शन यहाँ तक कर लेंगे, ताकि बीच में भी अगर कोई मैटर हम ऐड करें तो वो मेरा मिस ना हो, टोटल ऐड हो जाए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, आपको जोड़ करके टोटल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, CGST निकालना है, तो CGST इसी पैसा का निकलेगा 22,350 का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और इसमें क्लिक कर देंगे, राइट, वो ऑटोमेटिक एरिया सेलेक्शन ले लेगा। इतना का गुना का सिंबल देंगे, कितना परसेंट निकालना है आपको, 6%, तो आप 6 लिखेंगे और शिफ्ट के साथ परसेंटेज का सिंबल देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो निकल करके आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे और फिर गुना का सिंबल देंगे और फिर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और परसेंट का सिंबल दे देंगे और इंटर कर देंगे, तो टोटल जोड़ करके यहाँ पे लाना है मुझे। अब टाइप करेंगे इक्वल टू, फिर से सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, और इस तीनों एरिया को मैं सेलेक्ट कर लिया, यानी सेलेक्ट करना होगा आपको, ब्रैकेट क्लोज करना होगा और इंटर प्रेस करना होगा, आपका 25,032 रुपये आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल करके आ गया। आप इसका कलर चाहे तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ताकि ये देखने में आपको दिख जाए वन टाइम्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ऑलरेडी बिल आपका ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अब इसको आप जैसे जैसे कलर करना चाहते हैं वैसे आप कलर आसानी से कर सकते हैं। अगर इसका प्रिंटआउट निकालना है तो फाइल में जाते हैं और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू हम जाकर के एक बार देख लेते हैं कि क्या सही सही आ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल ही अच्छा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।